Hello students, these are the our this is our part 2 and in which we have to discuss numerical based on. In our previous part we are discussing numerical based on plane mirror, concave mirror and convex mirror, but these are very simple questions. So today after doing magnification and after doing the mirror formula, we are discussing the some important numericals based on concave mirror and convex mirror. Without wasting the time, let's start. This is our question number 1. फाइंड द साइज नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज. हमें इमेज का साइज निकालना है, नेचर निकालना है, पोजिशन निकालनी है. फॉर्म बाई कनकेव मिरर. ठीक है, कनकेव मिरर का केस है बेटा ये. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो साइज दे रखा है, मतलब एच ओ दे रखा है 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यू दे रखा है हमें फ्रॉम द कनकेव मिरर, एफ दे रखा है हमें. ठीक है बेटा, तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है, सोल्व करते हैं इसको. हमें यू, यू का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट फिर जब आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो मैं डायरेक्ट यू लिखूँ तो आप समझ जाना कि इनका मतलब क्या है. सो यू इज ऑलवेज, बिकॉज यू हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो यू हमेशा नेगेटिव में रहेगा. यू हमारा कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो माइनस हमें इसके साथ लगाना है. ठीक है, और वी यानी कि इमेज डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करनी है. इमेज डिस्टेंस हमें नहीं गिवन है ना बेटा, और मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगी जिससे आपको जल्दी अच्छे से समझ आ जाएगा. फिर आपका है फोकल लेंथ. ठीक है, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. अब आगे अगर यू यू लिखूं तो तुम समझ जाना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है हमारी बेटा. एफ हमारा कितना गिवन है, एफ इज गिवन 10 सेंटीमीटर. क्लियर, सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला. ओके, हमारे पास कनकेव मिरर है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस एफ लगाएंगे, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में क्या होता है, कनकेव मिरर के केस में हमारा एफ ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल होता है तो हमारा एफ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. सो अब हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बाय मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्या होता है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. कभी भी आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट मत करो, आपको जो निकालना है पहले इस साइड लेके आओ उसको. सो हमें 1 बाई निकालना है, तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, 1 बाई एफ कितना है, -10, तो -10 हो जाएगा, -1 बाई 15, तो ये कितना हो जाएगा, -1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15. एलसीएम कितना आया हमारा, 30. ठीक है, -3 प्लस 2 कितना आ गया, -1 बाई 30. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव टू गेट -30 सेंटीमीटर. माइनस का मतलब हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है, तो ये हमारी आ गई पोजीशन ऑफ इमेज. क्या आ चुकी है हमारे पास, ये पोजीशन ऑफ इमेज. हमने एक चीज़ निकाल दी, और निकालना क्या क्या है हमें, देखो पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन हम निकाल चुके हैं. अब हमें नेचर और साइज भी निकालना है. क्लियर, तो नेचर भी हमें पता चल चुका है, बिकॉज जो इमेज है कनकेव मिरर के सामने बन रही है, तो नेचर इसका कैसा हो जाएगा, नेचर इसका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड. अब हमारे पास पोजीशन निकल चुका है, नेचर निकल चुका है, अब हमें इसका साइज निकालना है, साइज ऑफ इमेज, यानी कि हमें निकालना है एच आई. ठीक है, साइज ऑफ इमेज निकालना है, तो इसके लिए हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. वी नो दैट एम इज इक्वल टू -V/U होता है. ठीक है, सो एम क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन है, -30 अपॉन -15. ठीक है, 15 2 20 30, और ये माइनस से माइनस कट का हो, तो एम आ गया आपका -2. ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दैट एम क्या होता है, HI/HO. एम की वैल्यू -2 आ चुकी है, एच आई हमें कितना दे रखा है बेटा, देखिए एच आई हमें दे रखा है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, एच ओ दे रखा है, सॉरी ये एच ओ हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एच आई हमें निकालना है, एच ओ 1 दे रखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आई हमारे पास हो जाएगा -2 सेंटीमीटर. तो ये आ गई अपनी हाइट ऑफ इमेज. ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको अच्छे से. एक बार मैं दोबारा से दिखा देती हूँ कि हमने कैसे क्या सोल्व किया है. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास,
ऑफ एनोजक 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब ये क्या दे दिया हमें, एच ओ दे दिया है। हम साथ साथ लिखते रहेंगे ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी 2 सेंटीमीटर, अब के बाद मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, तो ये हमें दे दिया यू, कितना दे रखा है, -16 सेंटीमीटर। कनक्यू मिरर का केस है, ध्यान रखेंगे बच्चे आप, ठीक है। विच प्रोड्यूस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। वो क्या कर रहा है, रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है 3 सेंटीमीटर हाई, ठीक है। तो हमें वही निकालना है, सेम टू सेम फोकल लेंथ निकालनी है, पोजिशन ऑफ इमेज निकालनी है। सो कैलकुलेशन करने के लिए अब हमें देखिए एच ओ दे रखा है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि जो हाइट है या, ठीक है बेटा, तो ये क्या बात कर रहा है कि रियल इमेज। देखिए बेटा हमेशा याद रखिए, जो हमारा ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सपोज करो कनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा था, अगर ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो ना और इसकी हाइट दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर, अब कह रहा है कि जो इमेज है ना वो रियल बनी, रियल मतलब इसके सामने बनी है, और कितने सेंटीमीटर की बनी है, 3 सेंटीमीटर की बनी है, तो मतलब इधर बनी है, ठीक है। तो नीचे जो भी आता है ना उसको हम क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी आ गई ना, ठीक है। तो एच आई हमारे पास कितना दे रखा है, तो ये वो उल्टी आई है सामने बनी है, तो ये भी ये कितना हो जाएगा हमारा, -3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है, जो ऊपर बनी है ना नेगेटिव आई, नीचे आई है तो -3। तो एम हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। तो -3/2 ये हो जाएगा 1, ठीक है, -1.5। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1.5, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमसे क्या निकलवा रहा है ये, ठीक है बेटा। तो एम आ जाएगा, अब हम क्या निकालेंगे, हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। पहले हमें ना पोजीशन ऑफ इमेज निकालते हैं, बिकॉज हमें पता है कि एम का फॉर्मूला -V/U होता है, ठीक है। एम हमारे पास आ चुका है -1.5, वी हमें निकालना है, और यू कितना दे रखा है -16, और ये माइनस लगेगा साथ में, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो एक माइनस तो रहेगा, 1.5 × 16, ये वी आ गया। तो यहाँ से हमारा वी क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/10 × 16, 2 8 16, 2 5 10, 5 3 15, तो वी हमारे पास आ गया -24 सेंटीमीटर, ये हमारे पास वी आ चुका है, पोजिशन ऑफ इमेज क्या आ गई है, पोजिशन ऑफ इमेज, ठीक है। वी आ चुका है, यू आ चुका है, सो ये अब हम फर्स्ट निकालेंगे एफ। तो वी नो दैट 1/F = 1/V + 1/U, सो हमारे पास यहाँ से पोजिशन ऑफ इमेज आ गई है, एफ हम निकालेंगे तो 1/F क्या हो जाएगा, 1/V + 1/U, ये इसका फॉर्मूला होता है। 1/V की वैल्यू क्या आई, -1/24, और U कितना है, -1/16, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं ना, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है, -2 और -3, तो ये आ जाएगा 1/F = -5/48, और एफ यहाँ से हो जाएगा -48/5, ठीक है। 48/5 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 5 9 = 45 9.6 माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गई -9.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, दैट इज रियल इमेज बना रहा है वो, कनकेव मिरर है, रियल इमेज बनाएगा तो रियल इन्वर्टेड होगा, तो मतलब मिरर के सामने बनेगी। अपॉन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, तो यू हमें कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है कि इमेज कहाँ होगी, ठीक है। और ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन, क्योंकि रियल इमेज है तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा -3। एंड वी नो द फॉर्मूला, m = -V/U, दिस इज -3 एंड दिस इज v एंड u इज -10 गिवन, सो माइनस माइनस यू कैन सी दिस इज कट, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग एट हेयर दिस बिकम -30 सेंटीमीटर, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज, बिकॉज माइनस इज हेयर, सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी इजी क्वेश्चन,
क्लियर. सो इमेज इज बिकम रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट बिकम इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन सी इट लाइक दैट. इफ दिस इज कनकेव मिरर एंड हेयर इज एफ एंड हेयर इज सी. सो यू कैन से इफ दिस इज माइनस 10 सेंटीमीटर इज हेयर. ठीक है, u इज गिवन माइनस 10 सेंटीमीटर. इफ आई एम सेइंग दैट सपोज हेयर दिस इज 10 सेंटीमीटर देन v इज हेयर. इट मीन्स यू कैन से द इमेज इज बिगर एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट. सो दिस इज अवर सोल्यूशन. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4. द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ प्लेन मिरर इज प्लस 1. यू ऑलरेडी नो दैट इन अवर प्लेन मिरर मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज प्लस 1. सो इसका मतलब क्या है, काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What do you mean by the m is equal to plus 1? Listen student, if here is plus, that means the image is virtual and erect. Virtual and erect. If the plus sign is here, then the image is virtual and erect. And if minus sign is here, then you can say the image is real and inverted. Okay, so what do you mean by this statement? You can see that if there is plus 1, okay. सो प्लस मीन्स वेट द इमेज इज वर्चुअल. इफ वन इज हेयर इट मीन्स वन मीन्स क्या है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर. एंड यू कैन सी इन अवर प्लेन मिरर द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. वैन यू वी सी इन द प्लेन मिरर देन यू कैन सी इफ आवर हाइट इज 5 feet देन इन द मिरर द इमेज इज ऑल्सो 5 feet. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द 1 and the meaning of plus is virtual and erect. So now this statement is clear to you. Now you can say that if the magnification is positive, then the image is virtual and erect, and if its value is 1, then you can say the size of the image is equal to the size of the object. Now we are doing the question number 5. So this is our question number 5. What is the nature of image formed by, so he is just asking, question is just asking only nature of image. Okay, so concentrated on the question. That is the image formed by concave mirror. There is concave mirror. If magnification is produced by image is plus 3. See student, I am already telling you in the previous question, that is if magnification is positive, then you can say the image formed is virtual and erect. Virtual and erect. If there is plus, then you must have to be considered it virtual and erect. If, okay. So this is the answer of this question. So the nature of the image formed by a concave mirror, if magnification produced by image is plus 3, is virtual and erect. So this is the answer of this question. Now we are doing question number 6. This is question number 6, and this question is based on convex mirror, because we already tell you that this topic is on convex and concave mirror numerical problems. Here we can see an object 5 centimeter height, yani ki you can say HO is equal to 5 cm given. This is the answer. Placed at a distance of 10 cm from the convex mirror. So here U is 10 cm and R is given at here 30 cm. We have to find nature, size and position of image. Because R is given at here and we know that for finding F, F is equal to R by 2. So you can say 30 by 2, and this our focus, that is 15 centimeter. Okay, so now we are applying mirror formula. First of all, we want to find position of image. Clear? For finding position of image, we are applying mirror formula. What is mirror formula? 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by F plus 1 by U. This is our mirror formula, and student, this is convex mirror, so focal length is positive but U is negative at here. Always it mind, it kept it in your mind that U is always taken minus. So we have to find V. So 1 by V is equal to 1 by F minus 1 by U. Putting all the values at here, minus 15 minus minus 1 by 10. After solving this, we will get that is 15 to the 30, so this is 2, and minus minus this become plus, 10 3 the 30, and it become 5 by 30. After solving, we have to get 1 by 6, that is we become 6 centimeter. And you can see student, this is our positive. So we already know that in convex mirror we always get
virtual and erect maze. So this plus sign show that we have to get virtual and erect image. Clear? So this is the nature of image, and here position of image. So two things we have to find: nature of image and position of image. Now we want to find size of image. So for size, we know that we have to use the formula of magnification. So m is equal to hi upon ho, okay, and it is also equal to minus v by u. So by using this concept, we have to solve it. First of all, we have to use minus v by u. M is equal to minus v by u minus v by u. V is given here 6 and u is given here minus 10. Minus is already given, so it become 2 3 ja 6, 2 5 ja 10. So m become plus minus minus plus ho jayega, so 3 by 5, yani ki you can say that 0.6, this is our magnification. Now using this formula, you can say 3 by 5 is equal to hi is not given because we have to find it, and ho is given at here 5 centimeter. So hi is equal to, after crossing it, hi is equal to 5 into 3 upon 5, 5 5 cut. So we have to get hi is equal to 3 centimeter. So this is the height of image. So we get nature, size and position of image. So this is the solution of question number 6. Now we are doing question number 7. So this is our question number 7. A diverging mirror of radius of curvature of 40 centimeter. What we are having here, r is 40 centimeter given, forms an image which is half the height of home object. ये एक image बना रहा है, clear? जो object की height की half है, तो हमें क्या निकालना है? Object and image position निकालना है. क्या निकालना है हमें? Object and image position. Okay? So this we have to find out. Okay students? Okay बेटा, so we have to find u, v. Okay, and HO is the height of object and HI is the length. ये हमने consider करा है height of object and height of image. So according to the condition, the height of image is the half of the height of object. Clear? ये इसने खुद दे रखा है, ठीक है? If I am saying, suppose HO, height of object, ठीक है? And HI is the height of image. Okay, and what the condition is given to us, which is the height of the half of the height of the image. Condition is given to us, h, the height of image is half to half of the object. So we can say hi is equal to ho upon 2. Clear? So we know that m is equal to minus v by u is equal to hi upon ho, and from this we can say minus v upon u is equal to hi upon ho. Okay, so minus v by u is equal to hi ki jagah hum kya put kar denge, ho by 2, okay, aur upon mein ho, ye kya ho jayega, minus v by u, aur ye upar chala jayega. तो ये आपका आ जाएगा एच ओ से एच ओ कैंसिल आउट 1/2. तो यहाँ से अपना इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अपना हो जाएगा 2v इज इक्वल टू माइनस यू, और आपका यहाँ से v आ जाएगा माइनस यू बाय 2. ये हमारी v की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्या अप्लाई करेंगे? मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो हमारे पास क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. दिस इज अवर मिरर फॉर्मूला. सो 1/v प्लस v, ठीक है, और 1/v, v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस u बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 पर चला जाएगा, 2/u प्लस इज इक्वल टू 1/f, ठीक है? और देखो यहाँ से हमें r दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो f कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है? डाइवर्जिंग मिरर है, तो मतलब ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर हुआ.
ठीक है, कन्वेक्स है तो एफ हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/20, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -2/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/20। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे, u -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/20, दैट इज -1/u इज इक्वल टू 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाइंग -20 इज इक्वल टू u, तो वी हैव टू गेट u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। सो सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू -u/2, तो पुट द वैल्यू ऑफ u एट हेयर, तो v इज इक्वल टू -20/2, माइनस इज ऑलरेडी एट हेयर, सो दिस बिकम 10, सो v बिकम 10 सेंटीमीटर। ओके, सो दीज आर द वैल्यू दैट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, दिस इज v एंड दिस इज u. सो आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।